आप आपकी बात शुरू हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से तल्लक है जी। मेरा सवाल है, फर्ज के बाद जो तस्बीह की जाती है, तो अगर फर्ज के बाद की जाए ज़्यादा सवाब है या उसके पूरी नमाज के बाद तस्बीह की जाए सवाब ज़्यादा है? हर हर नमाज के हिस्से के बाद लंबी तस्बीह करना दस्तूर नहीं है। फर्ज के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर बैठा करते थे, जिसमें ये दुआ की रब्बे वो है अलम अंत सलाम मिनक सलाम तबारक तयाजल जलाल वल इकराम, दूसरी इस वो दुआ है जो आईनी अला जिक्र का और शुक्र का वह हुस्न इबादत एक, ये दो दुआएं हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं कि उतनी देर वहाँ क्याम फरमाते थे जितनी देर में ये दो दुआएं करते थे, फिर उठकर घर आ जाते थे, वहाँ पहुँच कर फिर सुनते हैं नवाफिल वगैरह पढ़ते थे। तो थोड़ा जिक्र मान बाद ये तो साबित है रसूल सल्लम से, मगर यह कि सहाबा बैठ जाएं लंबे अरसा जिक्र में फिर उसके दुआ सुनते शुरू कर दें फिर बैठ जाएं फिर नवाफिल शुरू कर दें, ये दस्तूर नहीं है, समझ गए? ज़रूरे महदिये आखिर